बताइए, रेवाड़ी द्वारा अवैध हथियार रखने के आरोप में एक युवती को काबू किए जाने का मामला सामने आया है। सीआईए ने सुंदरपुरा थाना कोटपुतली हाल किरायेदार साधु सानगर निवासी दामिनी उर्फ दामू को काबू किया है। सीआईए पुलिस इंचार्ज रेवाड़ी विद्यासागर ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि नगर के प्रजापति चौक के पास एक युवती पिट्ठू बैग लिए हुए खड़ी है, जिसमें अवैध हथियार है। पुलिस ने सूचना पाकर टीम तैयार कर मौके पर रेड की तो वहां उक्त युवती खड़ी मिली। महिला पुलिस की सहायता से उसे काबू करके उसे बैग को चेक किया गया तो उसमें 2 देसी कट्टे बरामद हुए। आरोपी युवती के खिलाफ थाना शहर में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं सोमवार को उसे अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। बता दें कि दामिनी के 13 वर्षीय भाई की कुछ बदमाशों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद बहन ने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ऐसा कदम उठाया था। लेकिन इससे पहले ही दामिनी को सीआईए रेवाड़ी ने गिरफ्तार कर उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। सूचना मिली थी सीआईए टीम को कि भी बताया गया था औरत का, और कहा गया था कि इस लेडी के पास अवैध असला है, जिस पर हमारी रेडिंग पार्टी ने रेड की गई महिला पुलिस के साथ, और उनको नाम पता पूछा, चेक करने पर उसके पिट्ठू बैग में 2 कट्टा देसी 315 बोर के बरामद हुए, और उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। और ओरिजिन तक पहुंचने के लिए हमने उसको 1 दिन माननीय अदालत में पेश करके 1 दिन से पुलिस रिमांड कर लिया। सर, क्या कुछ वजह बताइए? उन्हें कोई गांव में उसके भाई के साथ कोई, कहते हैं कि भाई 13 साल का था, उसको मार दिया था गांव के लोगों ने, मैं उसका बदला लेना चाहती थी, ये उनको बताया पूछताछ के दौरान। सर, जो अवैध हथियार जो लाई है, कहाँ से लाई है, ये बताया गया है उसके लिए भी? कोई उसके दोस्त है, उनका जो हस्बैंड है उसके साथ मथुरा यूपी से लेना बताएगी, ये जो आगे केस करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।